आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे दोस्तों। मेरा नाम है दीप, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सो दोस्तों, गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्या बताए। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इंसान सेक्स कर पाएंगे। जी हाँ, फिजिकल इंटीमेसी होगा। अभी जस्ट ये खबर मिला है ना, ग्वादो मो जो एक गूगल में फॉर्मर एम्प्लॉय थे और एआई में भी लीड थे वो, और वो काम करते थे इसके ऊपर, तो उन्होंने बोला है कि ये बात कि ये होने वाला है फ्यूचर में। सो दोस्तों, ये क्या देखना पड़ेगा फ्यूचर में, आप दोस्तों देखिए, ये क्या, ये सब क्या देखना पड़ रहा है अब। गजब गजब, तो बहुत ही तगड़ी मतलब तरक्ती भड़कती खबर आपके लिए मैं सामने लाया हूँ, तरक्ती भड़कती खबर लेके आया हूँ। तो एआई ऐसा है, एआई ने तो दोस्तों बैंड बजा के रखी है दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। दुनिया की कोई कहता है जॉब चली जाएगी, है ना, कोई बोलता है कुछ चला जाएगा, ये हो जाएगा, है ना, लेकिन यहाँ तो इंसान के पार्टनर ही चले जाएंगे दोस्तों। अब जो सिंगल बॉयज़ है वो क्या करेंगे अब। मेरा तो चलो ज़िंदगी उम्र निकल गया, मैं ख़त्म, बुढ़ा हो गया, मुझे अब लड़की नहीं चाहिए, है ना। मतलब मैंने जिससे प्यार किया वो अगर वापस आना चाहेंगे तो मैं एक्सेप्ट करूँगा, नहीं तो नहीं। तो यहाँ तो अब दोस्तों एआई पार्टनर ही छीन लेंगे दोस्तों, है ना, पार्टनर ही चले जाएंगे। ग्वादत मो जो एक है ना है, वो ऑलरेडी गूगल के एक फॉर्मर एम्प्लॉय रह चुके हैं ग्वादत मो, और एआई में भी लीड रह चुके हैं, वो काम कर चुके हैं लीड एज ए लीड, तो बहुत बड़ा नाम रहा है उनका इनका। तो इन्होंने कहा है कि रिसर्च के बाद कि फ्यूचर में आप विजुअल हेडसेट, क्वेस्ट 3, एप्पल प्रो निकला है ना अभी वो हेडसेट 2 लाख का, 2,50,000 का, है ना, ये लगाइए वर्चुअल रियलिटी और आपको लगेगा कि एआई आपके साथ संबंध बना रहा है। ये लगाने के बाद आपको, ये हेडसेट लगाने के बाद आपको लगेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके साथ संबंध बना रहा है, आपको फील कर पाएंगे, यानी कि आगे आने वाले समय में ह्यूमन पार्टनर्स की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे वो औरत हो या आदमी, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो आप फील कर पाओगे, आपको लगेगा कि आपके दिमाग ऐसा सेंसेशन प्रोड्यूस करेगा आपके दिमाग में कि दैट इज़ हैपनिंग इन रियल, यानी कि सेक्स से आए, एआई अब सेक्स में भी आ गया है दोस्तों। देखिए कुछ दिन पहले खबर आई थी कि डिजिटल रेप हो गया है, वर्चुअल रियलिटी का हिसाब किताब है दोस्तों, डिजिटल रेप हो गया है कहीं पे। तो गादो मो गादो ने बोला फ्यूचर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो बट ह्यूमन इमोशंस तो अलग होते हैं ना, अलग ही होते हैं ना, ह्यूमन्स के इमोशंस तो अलग ही होते हैं, बोला कि क्योंकि इमोशंस को तो एआई से तो मैच नहीं कर पाएगा, है ना, वो एक चीज़ है, मैच नहीं कर सकता, बट एआई सब कुछ जीत के रख देगा। मैं बोल रहा हूँ आपको, बोल रहा हूँ मैं आपको, ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी, है ना। एआई को तो आप हरा ही भी नहीं पाओगे, कैसे हराओगे बेटा, तुम मतलब आम इंसान, आईएएस बन गए, यूपीएससी निकाल लेंगे, है ना, इंजीनियर बनेंगे, एआई को कैसे हरा पाओगे तुम। कितना भी कुछ कर लो एआई को फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, कुछ नहीं पड़ेगा, वो हरा देगा आपको। हर मूवी देखा है, हर मूवी एक मैंने मतलब हर मूवी में प्यार हो जाता है उसको एआई से, एआई एक लड़की से, है ना, फिर वो पूछता है कि तुम जैसे मुझसे बात करती हो, सबसे बात करती हो, एआई से, एआई लड़की से पूछती है, तो बोलता है हाँ मैं तो 10,000 क्लाइंट से ऐसे ही बात करती हूँ, तो बस ख़त्म, खलास, फ्रेंड जोन कर दिया उसको भी, एआई ने भी फ्रेंड जोन कर दिया, बस, तो भयानक ख़त्म। तो यहाँ पे तो ये सब होगा, तो ये बड़े खतरनाक रिवॉल्यूशन किया है कि आगे आने वाले समय पे आपके पार्टनर्स है उनको रिप्लेस कर देगा यार, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, है ना। कहीं पे जो यूएस में एक लड़की ने एआई से शादी कर लिया, मैंने वीडियो बनाया था, वो देखिए आप जाके, है ना, उनको रिप्लेस कर देगा एआई, यानी कि सौतन एकतन तो मिलता नहीं है हमें, सौतन की क्या बात करें, है ना, यहाँ पे एआई जो है वो सौतन बन जाएगा आपका। सौतन क्या है, दूसरी बीवी को सौतन बोलते हैं ना, यहाँ एकतन ही नहीं मिलता, अब एआई सौतन बनने आया है, सौतन की क्या बात करें अब, है ना, लेकिन एआई बनेगा सौतन, है ना। तो एक्सपीरियंस कैसे होगा, फिजिकल इंटीमेसी कांटेक्ट कैसे होगा एआई के साथ आपका, कैसे होगा, वो बेसिकली काम चल रहा है, ऐसे टेक्नोलॉजी आ जाएगी बोल रहे हैं वो लोग। बेसिकली जब आप वो हेडसेट लगाओगे ना, वो वाला जैसे एप्पल प्रो ऐसा ही कुछ हेडसेट आएगा,
तो वो हेडसेट आप अलग ही दुनिया में चले जाओगे वो लगाने के बाद, है ना। और वो सेंसेशन फील होगा आपको, है ना। इसका काम चल रहा है अभी, दिमाग का, ब्रेन का काम चल रहा है, या का जापान अमेरिका में काम चल रहा है वो, तो इसका काम तेजी से बढ़ रहा है अभी, है ना। खतरा भी है एक, है ना, जॉब खत्म, AI सब काम कर लेगा, है ना, करोड़ों रुपए बचाएगा, है ना। इंडियन गवर्नमेंट अब सरकारी नौकर को क्यों लेगा जब AI सारा काम कर देगा, तो सरकारी नौकर को वो क्यों लेगा, नहीं लेगा ना। कोई कंपनी एम्प्लॉय को क्यों रखेगा जब AI आ जाएगा, किसी को 80,000 रुपये क्यों देगा। जैसे आप AI से जितना काम करवा रहे हो तो 80,000 इंसान को क्यों देगा वो। इसीलिए तो हॉलीवुड स्ट्राइक भी हुआ है ना वहाँ राइटर्स का, कि AI ओवर पावर कर लेगा ह्यूमंस को, फिर AI ही मूवीज़ के स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसलिए तो हॉलीवुड में स्ट्राइक हुआ राइटर्स का, AI ओवर पावर इन ह्यूमंस, है ना, AI विल ओवर पावर इन ह्यूमंस, ये होने वाला है ना। टर्मिनेटर में हुआ है दोस्तों, कैसे, टर्मिनेटर में देखा आपने, AI ने सब इंसानों को ख़त्म करना शुरू कर दिया, और किस हद तक ख़त्म करने की कोशिश की, देखा कैसे सबको मार रहा था घर घर में जाके, पूरा मतलब यहाँ से हाथ से मतलब तलवार निकाल के से मुंह में घुसा दिया, मार दिया पूरा, है ना। तो सिमुलेशन जब हुआ था एक USA में दोस्तों, कुछ दिन पहले की सिमुलेशन भी हुआ था टेस्ट AI का, तो AI ने कोऑर्डिनेटर को ही मार दिया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। तो ये तो अभी डेवलपिंग स्टेज पे है AI, उसका दिमाग अभी कर रहा है, चल डेवलप कर रहा है। AI पैदा हुआ, जैसे जैसे मैच्योर होगा, AI तो पैदा हुआ, AI पैदा हो गया, बस उसका भी मैच्योरिटी आना बाकी है ना। जैसे इंसान पैदा होता है उसको मैच्योरिटी आने में टाइम लगता है, जैसे AI पैदा हो गया है उसका मैच्योरिटी आने में टाइम लगेगा। जैसे जैसे वो मैच्योर होगा, इंसान की बैंड बज जाएगी दोस्तों, बैंड बजा देगा। कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे मेरा बेटा UPSC IIT AI मतलब ये तो नहीं हो रहा है, जब AI क्या करेगा फिर आके UPSC IIT वालों को, है ना, तब क्या होगा सोचिए, जब AI आएगा तब मैं शायद जिंदा भी ना रहूँ, ये चैनल भी जिंदा ना रहे, क्या पता, है ना। तो कुछ भी हो सकता है, रेडी रहिए। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ परफेक्शन बनना बहुत आसान नहीं है, AI आने वाला है ना। तो ठीक है, यही है, चलिए दोस्तों इतना ही मैं बताने वाला था। थैंक यू भाई, चलिए, थैंक यू।